जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। मैं उस समय माता इनके भवन पे, आज है पहला नवरात्रा और देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है भवन पे। ये देखिए बहुत ज्यादा भीड़ है, जहाँ तक आपकी ये देखिए जी, जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक भीड़ ही भीड़ है। वहाँ पे माता इनका भवन है और भीड़ ये देखिए कितनी ज्यादा भीड़ आ रखी है यहाँ पे। और पहला नवरात्रा है आज, 26 सितंबर का दिन है और पहले नवरात्रे पे ही आप देख सकते हैं जी क्या भीड़ का मंजर बना है, कितने ज़्यादा भक्त आ रहे हैं। और ये अपना में बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही ये देख सकते हैं, ये भैरव बाबा तक जा रही है। देखिए लंबी लाइन जा रही है, ये वो लाइन जा रही है जो कि माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं भक्त। ये वो लाइन है जो कि भैरव बाबा के रास्ते पर चढ़ चुकी है, अभी काफ़ी पीछे तक जा रही है लाइन, जहाँ पे आपका कालिका भवन है उस तरफ ये लाइन जा रही है। और देख सकते हैं, देखिए बहुत यहाँ पर भक्त कष्टों से लाइन में लग रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। अगर आप भवन पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा तैयारी के साथ आइएगा, ये भीड़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। और देख सकते हैं जी कितनी ज़्यादा भीड़ है माता इनके भवन पर। जय माता दी। ये देखिए जी, और ये देखिए जी यहाँ पर क्या माहौल बना हुआ है। और मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे भी आपको, ये देखिए यहाँ से आप अच्छे से देख पाएंगे, वहाँ है माता रानी का प्यारा सा भवन, सामने देख रहे हैं कितना प्यारा भवन है माता इनका। और यहाँ पर देखिए जी भीड़ ही भीड़ है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिख रही है आपको, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। देखिए कोशिश करें माता रानी की यात्रा करने आ रहे हैं आप, एक ही दिन में यात्रा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सुबह 4-5 बजे कटरा से यात्रा शुरू कर देनी है, घोड़े से आ जाओ या पैदल आ जाओ, और भवन के दर्शन करके आपको भैरव बाबा के दर्शन करके नीचे वापस जाना है, एक दिन में दर्शन कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, भवन पे दर्शन करने के लिए इस समय पता है कितना समय लग रहा है, लगभग 4-4, 5-5 घंटे इस समय आपको दर्शन करने में लग रहा है भवन पे, इतनी ज़्यादा भीड़ है। पहला नवरात्रा है, माता रानी का पवित्र भवन है और नवरात्रों का ये अद्भुत अवसर है जब कितने सारे भक्त अपने घरों से निकलते हैं। ये देखिए चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, जहाँ तक आप देखेंगे, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक भीड़ ही भीड़ है। और रही बात मौसम की, मौसम मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखिए जी मौसम आप देख सकते हैं वहाँ पे भी कि बादल ही बादल वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लगभग यहाँ पर डेली बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। हालांकि आज सुबह बारिश नहीं हुई, कल शाम को हो रही थी, दोपहर में भी हो रही थी। और यहाँ पर देखिए ये वो लाइन है जो कि रोपवे के लिए जा रही है इस समय, वो आप लाइन देख पा रहे हैं पूरी। और यहाँ पर लोग जा रहे हैं आगे लोकल रूम के लिए, और ये वाली जो लाइन जा रही है ये जा रही है भवन पे दर्शन करने के लिए। और जहाँ भी आप देख रहे हैं वहाँ पर भयंकर भीड़ ही भीड़ है माता रानी के भवन पे। तो उम्मीद करूँगा कि आप यात्रा पे आ रहे हैं तैयारी के साथ आइएगा, ठंड के कपड़े लेके आना, ऐसा नहीं कि बिना ठंड के कपड़े लिए आगे, बहुत ठंड बनने वाली है रात में स्पेशली। और अगर बारिश हो जाती है तो उसके लिए आप तैयारी करके आइए, कुछ पन्नी वगैरह लेके आइए कि अपने सामान को कपड़ों को कैसे बचाएंगे। और अगर आप रात में रुकना चाहते हैं धर्मशाला में तो कोशिश करें 6-7 बजे तक भवन आ जाएं, अर्थवारी आ जाएं, 6 बजे को धर्मशाला में जगह मिलने की उम्मीद है। बट इतनी भीड़ देख के तो मुझे नहीं लगता कि आपको 6-7 बजे भी जगह मिलने वाली है, सब लोगों को बाहर सोना पड़ रहा है। और अगर ऐसे में बारिश हो जाएगी तो आपको बारिश में ही सोना पड़ेगा। खैर चलिए, जैसा माता नहीं करना चाहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भक्त को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद। और दर्शन एक बार फिर से कर लीजिए, देखिए कितनी प्यारी लग रही है मेरी माता रानी। और माता रानी आप भक्त की यात्रा को सफल करे, संपूर्ण करे, और भीड़ भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। जय माता दी।